नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा मूवी के डे 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर सुशांत सिंह राजपूत के ट्रू फैन है तो हमारी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिल बेचारा मूवी में हमें दमदार कॉमेडी रोमांस इमोशन देखने को मिला है। दोस्तों इस फिल्म को पब्लिक्स और क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। दोस्तों पब्लिक्स ने इस फिल्म को 4.5 रेटिंग दी है, वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4.3 रेटिंग दी है। हालांकि हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं है पर उनकी एक्टिंग की तारीफ के चर्चे चारों ओर हो रहे हैं। दोस्तों वही दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में लीड रोल में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट संजना संगाई देखने को मिली है। उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म है और ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है, सबका दिल जीत लिया। दोस्तों दिल बेचारा फिल्म को डायरेक्शन दिया है मुकेश छाबड़ा ने। दोस्तों बजट की बात करें तो इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सतन खेतान ने। अब दोस्तों हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म की कमाई किस तरह से हो रही है, ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस और हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। तो दोस्तों उसके ऊपर जो एड आ रही है उसकी जो एड की अर्निंग होती है उससे कमाई हो रही है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दिल बेचारा फिल्म ने अपने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 12 करोड़, तीसरे दिन 12 करोड़, चौथे दिन 8 करोड़, पांचवें दिन 9 करोड़, छठे दिन 6 करोड़, सातवें दिन 5 करोड़, आठवें दिन 6 करोड़ और नौवें दिन इस फिल्म ने 7 करोड़ की जबरदस्त बिजनेस किया है। इसी के साथ दिल बेचारा फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 75 करोड़ इंडिया से। दोस्तों और ये फिल्म सुपरहिट साबित हो गई है। अभी तक आपने ये फिल्म देखी कि नहीं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।